हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का दिन है 5 मार्च का और टाइम हो रहा है 4:30। तो आज हम आ चुके हैं मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे पे, जो कि आप देख सकते हो ये सामने वाला चौराहा बच्चा पार्क चौराहा है। उसके जस्ट सामने वो सामने वाला पार्क है, बच्चा पार्क पार्क है। तो इसके जस्ट अपोजिट में देख सकते हो यहाँ पे सेंट थॉमस चर्च भी है। तो अब हम आ चुके हैं एक हफ्ते के लिए मेरठ में, और हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे और ऐसी जगहों से आपको रूबरू कराएंगे जो आज तक आपने नहीं देखी हैं, और वो स्पेशल है यहाँ पे। अगर आप आए हो मेरठ में तो आपको जाना वहाँ मुनासिब रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले सेंट थॉमस चर्च से। तो अभी तक जो मैंने अपना इन्फॉर्मेशन इस इंटरनेट से प्राप्त करी उसके अनुसार क्या है कि इसको 1868 में बनाया गया था सेंट सीबी ने। तो जो उनकी मिसेस थी, मतलब उन दोनों ने करीब 1868 में बनाया था इसको। और उस टाइम के सेंट थॉर्नले जो थे वो मतलब मिशनरी हेड हुआ करते थे। उसके बाद में इनकी जो डॉटर हुआ करती थी एमा, उन्होंने यहाँ पे फिर इस पर मतलब आगे जाके इसके कमान संभाली, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके जस्ट उल्टी तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे ऑल सेंट स्कूल करके नाम से स्कूल भी है इसके पीछे, ऑल सेंट स्कूल। ये कॉन्वेंट स्कूल है, होस्टल स्कूल है। तो अभी एंट्री यहाँ मिल नहीं रही है। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे मालूम करने की क्या हमको यहाँ एंट्री मिल जाएगी, पर जहाँ तक उम्मीद है ये एंट्रेंस इसको शाम से ही मिलेगा, शाम को मिलेगा इसमें। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसका ओवरव्यू देख सकते हो, बहुत ही लजीज नज़ारा है यहाँ का वैसे, ठीक है। तो ये तो रही हमारी सेंट थॉमस चर्च, जो कि हमने सबसे पहला हिस्टोरिकल प्लेस देखा यहाँ पे मेरठ में। अभी हम खड़े हैं सेंट थॉमस चर्च के पास, और ये रहा आपका बच्चा पार्क चौराहा। अभी चलते हैं सामने, अब आपको अंदर लेके चलेंगे सीधा। जस्ट अपोजिट यहाँ आप देख सकते हो ये है शाहपीर का मकबरा। इसके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ ऑलरेडी इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। एज पर इंटरनेट जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, मैं उसके हिसाब से आगे वाले चौक पे गया, पर वहाँ पे ये मकबरा नहीं मिला। तो मालूम नहीं ये जो इंफॉर्मेशन अपडेट है कि नहीं है, लेकिन एज पर इंटरनेट इन्फॉर्मेशन में जब आके होके आया तो एक्चुअलिटी में वहाँ पे था ही नहीं शाहपीर मकबरा। तो हार्ड वर्क करने के बाद एक्चुअल मेरे को यहाँ का नेविगेशन मिल गया फाइनली। तो फिलहाल मैं अब चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं शाहपीर का जगह कैसा है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग सुविधा भी अवेलेबल है। अगर आप कार लेके आते हो तो यहाँ कार भी पार्क कर सकते हो, बाइक्स को आसानी से पास आपके पार हो जाएंगी। तो इसका एंट्रेंस कुछ इधर से है, ऐसे दिखता है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अंदर सीधा। आए दोस्त चले चले, ओके चलिए अंदर चलते हैं फिर फाइनली।
दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं। तो एज पर इंटरनेट जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अनुसार इसको 1628 में बनवाया गया था। मतलब इधर की जो रानी हुआ करती थी उनका नाम था नूरजहाँ। उन्होंने जहांगीर के जो एडवाइज़र थे हजरत शाफिर अली, उनकी याद में इसको बनवाया था, जो कि जहांगीर के एडवाइज़र हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे सलाहकार थे वो। तो उनकी याद में रानी नूरजहाँ ने बनवाया था इसको, ठीक है। अगर आप मेरठ में आए हो तो इस जगह पक्का आइए। अभी इसका टाइम हो चुका है नमाज का। अब करते हैं फोटो क्लिकिंग, थोड़ा फोटो सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। आपको एक मेहमान से मिलाते हैं। हाय।